नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। परिवार के 3 सुसाइड से सहमी नवी मुंबई। आपको बता दें कि यह घटना नवी मुंबई के कामोठे के सेक्टर 36 में इंद्र विहार सोसाइटी ए विंग रूम नंबर 503 में घटी है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने सुसाइड कर अपनी लीला समाप्त कर ली। दिल दहला देने वाली इस घटना से पूरी नवी मुंबई सहम सी गई है। पत्नी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वे अपनी बॉडी को KM अस्पताल में डोनेट कर रही है, जो छात्रों के रिसर्च काम आएगा। फिलहाल पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस घटना की हर पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। सर, सुसाइड का मामला आया है कामोठे में, 3 लोगों ने सुसाइड किया है, इस पर सर जानकारी। कामोठे के सेक्टर 36 में इंद्र विहार नामक बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 503 में एक दंपति ने उनकी एक 15 साल की लड़की के साथ, मतलब घर में तीनों थे, तीनों ने भी खुदकुशी की है और तीनों ने भी अपने अपने सुसाइड नोट्स लिखे रखे हैं। ये फैमिली यहाँ पे 1 साल से रह रही थी, इसके पहले पड़ोस की बिल्डिंग में रहती थी। अड़ोस पड़ोस का कहना है कि ये कभी बाहर ज़्यादा आते नहीं थे। हालांकि इसमें जो लेडी थी वो डॉक्टर थी और उसका यहाँ पे तिरुपति में डिस्पेंसरी भी है, और ये लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और उनको थोड़ी आर्थिक विवंचना भी थी, ऐसा जानकारी में आता है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि हमारा जो घर का सामान है वो बेच के जो पैसा आएगा उसमें से घर मालक, डिस्पेंसरी मालक तथा मेड को पैसे बांट के दिए जाए, और ये भी कहा है कि हमारे जो अवयव है उन्हें डोनेट किया जाए KM के लिए, KM अस्पताल के लिए, ताकि बच्चों को उससे डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स उसमें स्टडी करें या रिसर्च करें या कुछ इस तरह के सुसाइड नोट्स भी लिखे हैं। लेडी डॉक्टर ने लिखा है कि वो कई सालों से बीमार थी और उसको जिंदगी में मतलब कोई रस नहीं था, इसीलिए वो सुसाइड करना चाहती थी, अपनी लाइफ खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसको डर था कि मेरे बाद मेरी लड़की को कौन देखेगा। तो उसने इस समाज में लड़की अकेली रहना उचित नहीं है ऐसा समझ के लड़की को भी सुसाइड करने लगा। लड़की ने भी अपनी कंसेंट दी कि मैं भी सुसाइड कर रही हूँ। इस तरह घर के पहले डॉक्टर, लेडी, उसकी लड़की, इन्होंने सुसाइड किया। बाद में जो इंद्रजीत दत्ता नाम का उनका घर में जो लिव इन रिलेशन में रहता था या उनका रिलेटिव था या कुछ उसका रिलेशन अभी नहीं सामने आया है, उसने अपने सुसाइड में लिखा है कि मैंने जब इनको देखा सुबह, तो उसने टाइम कोड किया मॉर्निंग 4:30 बजे सुबह मैं जब जागा तो मैंने देखा और अपन वो ड्रंकन पोजिशन में था, तो इट वॉज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन थी। फिर मैंने उनको नीचे उतारा और उसके बाद अभी मेरा जीने का कोई आसरा नहीं, जिनके साथ मैं रहता था वही चले गए, तो मैं भी अपनी लाइफ ख़त्म करता हूँ एंड आई एम क्विट, ऐसा लिख के सुसाइड नोट में उसने भी खुदकुशी कर दी। हालांकि ये 2 लाशें थी वो बेडरूम में थी और इसकी लाश जो हॉल में थी।